नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। जहांगीरपुर में भूतपूर्व अर्धसैनिक बल सीपीसी फैमिली कैबिनेट का हुआ उद्घाटन। खबर गौतम बुद्ध नगर से जेवर क्षेत्र के कस्बा जहांगीरपुर से है, जहां पर सीपीसी भूतपूर्व अर्धसैनिक बल फैमिली के ब्रांच एक कैंटीन खोली गई है, जो कि रोड के निकट चामुंडा मंदिर जहांगीरपुर गौतम नगर में खोली गई है, जिसका उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन भानू ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक के बेटे रवि चौधरी ने चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली को जी को पगड़ी बांधकर सम्मान दिया और उन्होंने बताया कि इस सीपीसी कैंटीन को खोले जाने से चार स्टेट के क्षेत्र में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सैनिकों व उनकी फैमिली वालों को इसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा इससे पहले छावनी, सहारनपुर जैसी जगहों पर नौजवानों की फैमिली को जाना पड़ता था, जिससे समय भी काफी खराब होता था और जाने आने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब यह सुविधा कस्बा जहांगीरपुरी सीपीसी सेंटर पर उपलब्ध होगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए समीर खान के साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं गौतम बुद्ध जिले के जेवर क्षेत्र के कस्बा जहांगीरपुर में, जहां पर आज हमको बताया गया है कि भूतपूर्व अर्धसैनिक बल फैमिली कैंटीन यानी कि सीपीसी का यहां पे एक ब्रांच खुली है, जिससे कि क्षेत्र के सभी सीपीसी वालों को, अर्धसैनिक बलों को, मतलब जो हमारे फौजी जवान भाई हैं उनकी फैमिली को, उनको यहाँ पे घर का सारा सामान मिलेगा। ये कैंटीन खुली हुई है क्योंकि इससे पहले चार स्टेट में कहीं पर नहीं था। हर हमारे नौजवान को जो देश की सेवा करते हैं उनको छावनी मेरे छावनी या नोएडा बाबूलाल छावनी या नोएडा जाकर ये सुविधा लेनी पड़ती थी, तो उनके लिए काफ़ी राहत भरी काफ़ी वो थी कि जाना आने में पूरा समय व्यतीत होता था, काफ़ी परेशानी होती थी। इस चीज़ को देखते हुए हमारे भाई रवि चौधरी ने गौतमगढ़ जिले के अंदर कस्बा जहांगीरपुर में ये सीपीसी का ब्रांच खोली है। तो आइए जानते हैं, और इसमें उन्होंने खास बात रखी है कि किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता भारतीय किसान यूनियन भानू के किसान नेता राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से इनका उद्घाटन कराया है। आइए जानते हैं क्या खास है जो भैया ने ऐसा किया है। नमस्कार भैया, आपका फैमिली 24 में आपका स्वागत है, तो बताना चाहोगे? ये भूतपूर्व अर्धसैनिक बल फैमिली कैंटीन हमारे चार डिस्ट्रिक्टों में ना होने की वजह से जवानों को एवं जवानों की फैमिलियों को काफ़ी परेशानियों का आने जाने में ट्रांसपोर्ट की काफ़ी परेशानियाँ होती थी। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए यहाँ कस्बा जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये फैमिली कैंटीन का आज शुभारम्भ किया गया है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली जी को मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया है। देन उसका रीज़न है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश की एक लोगो है जय जवान जय किसान। तो इसलिए हमने आपने बताया जय जवान जय किसान, किसान हमारे देश का नारा है। हमने देखा है आज से पहले कोई भी अपना उद्घाटन या कोई भी चीज कराता है, फीता करता है, राजनेताओं को बुलाता है, विधायक सांसद या पार्षदों को बुलाता है। आपने एक हटके सोच बनाई है, हटके ये मौका दिया है कि किसान नेता को आपने इन्वाइट किया, मुख्य अतिथि के रूप में आपने बुलाया है, तो इसका क्या क्योंकि मैं किसान फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। देन उसके बाद में भी अभी जो राजनेता होते हैं, राजनेता हमारे हर समय हमदर्द नहीं हो सकते, किसान नेता ही हमारी जरूरत के अनुसार या हमारे जो मुख्य पहलू होते हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने किसान नेता को इसके उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में चुना है। इसके लिए मैं जो चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली जी का जो किसान नेता है उनका हृदय से हार्दिक बधाई एवं स्वागत करता हूँ। वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए।